Welcome back, dear parents. In geography of some bio online classes, and here we are discussing polity. Dear parents, इस समय हम संसद पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब ऑलमोस्ट हम एंड करने वाले संसद. संसद एक आपका जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर था. अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पोर्शन होता है तो आपका संसद. ठीक है, संसद हमें लगभग हम कवर करने वाले हैं, खत्म होने वाला आपका, और मुझे लगता है कि आजकल में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा. ठीक है, तो संसद के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अब हमने संसद के हर पहलुओं को देख लिया है, उस पर अभी आपकी कुछ संसदीय समितियां इत्यादि रह गई हैं, तो हम चीज़ों को देखेंगे आगे. कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. तो संसद के पतन के बारे में हम देखेंगे, आज बात करेंगे. संसद जो पतन हो रहा है, दिन पर दिन देख रहे हैं आपकी स्थिति बहुत ही खराब हो रही है. तो संसद के पतन का क्या कारण है, क्यों संसद का पतन हो रहा है, थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे. बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे, केवल इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे. उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा उसके लिए अलग छोटा छोटा वीडियो. तो आज हम दो तीन वीडियो छोटे छोटे देखेंगे. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि संसद पतन की बात जहाँ तक की जा रही है, तो पतन क्यों आखिर हो रहा है, ऐसा क्यों हमें ऐसा दिन प्रतिदिन लग रहा है कि हमारे जो माननीय है वो अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, कर्तव्य विमूढ़ता उनके अंदर आ रही है दिन प्रतिदिन. इस तरह की समस्याएं क्यों हमें सामने दिखाई दे रही हैं, और दिन प्रतिदिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो संसद है वो कहीं ना कहीं जो देश का जो आपका पैसा है जिसकी वजह से वो चलती है, मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं वो सारे आपके टैक्स से चलते हैं, और टैक्स कौन पे करता है, आप और हम आम लोग पे करते हैं. ठीक है, तो कहीं कहीं हमें लगता है कि वो अब कहीं ना कहीं हमारा जाया हो रहा है, और उसका जो एक सही सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. इस तरह की बातें क्यों लगती हैं, क्यों चीज़ें ऐसी हो रही हैं हमारे सामने, इस तरह के विचार क्यों आ रहे दिमाग में, इन सब चीज़ों थोड़ा देखें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, छोटा सा करके देख लेते हैं इसी में. तो सबसे बड़ी और सबसे अहम जो बात है वो आप देख रहे हैं कि राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण. देखिए, ये बहुत ही मतलब सर्वविदित है. मुझे आप एक मतलब इस देश में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट के बारे में मुझे आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब ये कहना एक मुश्किल हो गया है कि राजनीति में अपराध है या फिर अपराध एक राजनीतिज्ञ है. ठीक है, अपराधी एक राजनीतिज्ञ है. अब ये थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे सामने केसेस होते हैं. आप किसी भी एक पार्टी की बात ना करें, आप सभी पार्टी की बात करें, और आपको कम बेस हर एक पार्टी में मिलेंगे कि कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कई कई मुकदमे चल रहे हैं. ठीक है, कई ऐसे हैं जो जेल भी जा चुके हैं. तो इस तरह के मतलब वाक्य उदाहरण आपको करीब हर एक पार्टी में मिल जाएंगे. और उसके बावजूद ये सब चीज़ों जानने इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद भी जब चुनाव आते हैं तो फिर वो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर इस प्रकार की छवि वाला कोई भी नेता होता है तब भी वो उनको टिकट देते हैं, अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं. इसका क्या रीज़न है, क्योंकि वो जानते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है, प्रभावशाली हैं, और जीतने की संभावना ज़्यादा उनकी है. इस वजह से उनको एक सीट वहाँ पर कन्फर्मेशन मिल जाती है कि एक सीट यहाँ पर कन्फर्म उनकी हो जाएगी. तो मतलब मिला जुला देखते हैं कि हम ये चीज़ें लगातार चलती चली जा रही हैं. जो राजनीति में आपका अपराधीकरण है लगातार ही बढ़ता चला जा रहा है, और इससे हमारे देश का जो संसद है उसका कहीं ना कहीं पतन होने का समय जो है शुरू हो चुका है. तो इस तरह की समस्या हमारे सामने नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं संसद पतन की ओर है, पतनशील है संसद, और दिन प्रतिदिन अपने पतन की तरफ ये एक एक कदम बढ़ा रहा है. तो इस तरह से अपराधीकरण की जो बात की जा रही है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसको कि क्या किस प्रकार की समस्याएँ इसमें हैं. और बात करें तो संसद में कार्य दिवसों की घटती संख्या, देखिए एक ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि संसद में पतन के लिए ये भी एक प्रकार से जिम्मेदार है. आप देख रहे हैं कि आए दिन ऐसा होता है कि संसद में किसी न किसी मतलब वाद विवाद की वजह से किसी न किसी कारणवश संसद की कार्यवाहियों को भंग किया जाता है, संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से सदन को स्थगित करना पड़ता है, एक दिन के लिए करना पड़ता है, दो दिन के लिए. वहाँ पे आप साइन डाई का प्रयोग करें, अगर सिंपल जो एडजमेंट होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो जो कार्य दिवस है इससे क्या होता है, वो कार्य दिवसों की संख्या जो थी छोटी हो जाती है. एक तो वैसे भी आप साल में 3 सत्र करते हैं, और 3 सत्रों में आप देखिए लगभग कम हो गए 2-2 महीने का आप टाइम रहता है 3 सत्रों में. अब इन 2 महीनों में भी अगर आप मार झगड़ा लड़ाई कर मतलब कि कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं, तो फिर वो 3 सत्रों का भी अच्छे से आप प्रयोग यहाँ पे नहीं कर पाते. और जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसा लगता है कि भाई जो कार्य दिवस हैं उनका भी आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी संसद के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है. संसद के पतन को ये दिखाता है, दर्शाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें हम आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं कि संसद सदस्यों ने जो है बैलेट बॉक्स में आकर के कार्य मतलब नारे इत्यादि लगाए हैं. ठीक है, और
इस तरह के कागज़ इत्यादि फेंके स्पीकर के ऊपर, ठीक है, मतलब अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को आए दिन मिल जाती हैं। आप अगर न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको आए दिन देखने को मिल जाती हैं। तो एक बहुत ही, मतलब नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छी बात है, बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद हमारे देश की एक मतलब आप देखें तो विधि निर्माण के लिए प्रमुख संस्था है, और उसमें इस तरह की अगर इस तरह के कार्य को अगर अंजाम दिया जाता है तो एक बहुत ही शर्मनाक ये बात है, ठीक है, गरिमा को भंग करने वाली बात है। तो कार्य दिवसों की संख्या जब घट रही है तो फिर जाहिर सी बात है कार्य दिवस कम है, मतलब कि दिन जो आपके पास काम करने वाले होते हैं कम जब हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपका जो काम होगा, जो ओवरऑल आपका वर्क प्रोडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, आप काम भी कम कर पाएंगे, और जब ऐसा होगा तो देश का जो विकास होगा ये कहीं ना कहीं से बाधित होगा, ठीक है। संसद में जनप्रतिनिधियों का स्तर गिरता जा रहा है जिसके कारण रचनात्मक वाद विवाद संभव नहीं हो पाता। देखिए एक बड़ी समस्या आज के समय में अगर हम देखें तो ये एक बड़ी समस्या ये भी है, आजकल संसद में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत कम ही ऐसे मतलब लीडर हैं, नेता इत्यादि हैं, माननीय हैं, जो सांसद हैं, जो कि एक अच्छी बहस करते हैं, एक बहुत तैयारी के साथ बहस करते हैं, रचनात्मक बहस करते हैं, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा दूर हट के तर्क वितर्क से बहस करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही कम ही लोगों में देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर तो आते या तो आते नहीं हैं, या तो फिर जो आते हैं वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं, बहस करने में बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए जब आप वाद विवाद नहीं करेंगे, आप तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो किसी भी विधेयक इत्यादि पर, किसी मुद्दे पर क्या सही है क्या गलत है वो सारे डायमेंशन पर खुल के नहीं आ पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो जो भी आप कानून इत्यादि कुछ भी बनाएंगे अगर उस पर, तो वो बहुत ही एक परफेक्ट की तौर पर, मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल, मतलब परफेक्ट तौर पर वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं कि उस कानून में कई सारी कमियां रह सकती हैं, कई सारी खामियां रह सकती हैं, ठीक है, जो कि नतीजा किसका होगा, आपका एक स्वस्थ एक हेल्दी वाद विवाद नहीं करने का नतीजा होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सांसद इत्यादि काम नहीं करना चाह रहे हैं, और काम न करके वो मतलब चीज़ों पर स्टडी नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से उनको बहस करने के लिए कंटेंट इत्यादि मिल नहीं पाते, तो फिर वो बहस ही नहीं करते हैं, उनसे भागते हैं बहस करने से। तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, तो इसे भी देखें आप। वर्तमान समय में महत्वपूर्ण बहसों एवं चर्चाओं के दौरान बड़ी संख्या में सांसद अनुपस्थित रहते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है कि आप देखें कि जो सांसद आपके होते हैं वो तो मतलब कोई बहुत ही ज़रूरी अगर मुद्दे पर, किसी ज़रूरी मुद्दे पर अगर चर्चा चल रही है, बहस चल रहा है, तो वो उसमें उपस्थित नहीं रहते बल्कि अनुपस्थित हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ये सांसद अपने मतलब जो कार्य दिवस होता है उन कार्य दिवसों में उपस्थित नहीं रहते, जबकि संसद जो संसद है इनको पर्याप्त समय देती है अपने संसदीय कार्यों के अलावा विभिन्न कार्यों को करने के लिए, जैसे अपने संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए, वहाँ के लोगों की बातों को सुनने, समस्याओं को सुनने इत्यादि के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अनुपस्थित रहते हैं, संसद में भी उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे कि विभिन्न चर्चाएं चलते हैं वही भाग भी नहीं ले पाते हैं। तो इससे भी संसद के पतन का जो हमें कारण नज़र आता है। सांसदों का गिरता चारित्रिक स्तर, देखिए आज के समय में अगर हम कहें कि जो आप कहते हैं कि कलयुग आ गया है, तो कलयुग आ गया तो कैसे मतलब कहेंगे कलयुग आ गया, कलयुग का मतलब ही यही है कि वो जो मर्यादा होती है, जो एक कर्तव्यनिष्ठा होती है, ईमानदारी होती है, एक चारित्रिक गुणता होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, यही कलयुग है। आप ईमानदार लोग नजर ना आए, ठीक है, लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होना शुरू हो जाएं, तो इस तरह की समस्या जब हमारे सामने आएंगी तो हम वही कहेंगे फिर चारित्रिक मतलब कलयुग की स्थिति आ गई है। अब अगर हम सांसदों के पक्ष में बात करें तो आप देखेंगे चारित्रिक स्तर गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो अपना जो उनका कार्य है, कर्तव्य, वो नहीं ढंग से करते, ठीक है, इसकी वजह से उनका मतलब जो कार्य है उस कार्य को नहीं करने की वजह से वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अपने कार्यों को अगर कोई व्यक्ति करता है तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार है, सही है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो सही है, फिर नैतिक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जो अपने कार्यों को न कर रही है, जो उसको कार्य दिया गया करने के लिए, जिन कर्तव्यों का उसको निर्वहन करना है, उन कर्तव्यों का अगर वो निर्वहन ही न करे तो एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात है ये, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप अक्सर न्यूज़ में मतलब आए हैं, कई बार न्यूज़ में आए भी हैं कि सांसद मोबाइल रखे रहते हैं, मोबाइल पर कुछ ऐसे वीडियो चलाते हैं जो नहीं चलाए जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जो चारित्रिक स्तर उनका वो भी गिरता चला जा रहा है। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं कि कुछ अश्लील चीज़ों को देख रहे हैं बैठ के संसद में, जो कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब एक ऐसा एक संदेश जा रहा है पूरे समाज में कि जो सांसद हैं
ये उस संसद की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं, उस संसद की गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो संसद का पतन है ये लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार समस्याएं हमारे सामने नज़र आती हैं। तो देखिए ये हम कुछ पॉइंट्स को हमने देखा कि किस प्रकार से जो संसद का पतन है वो किन किन पॉइंट्स से हम उसे समझा सकें। तो राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, इससे समस्याएं बढ़ रही हैं। संसद में कार्य दिवसों की घटती संख्या, संसद में जनप्रतिनिधियों का गिरता स्तर जिसके कारण रचनात्मक वाद विवाद संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान समय में महत्वपूर्ण बहसों एवं चर्चाओं के दौरान बड़ी संख्या में सांसद अनुपस्थित रहते हैं। सांसदों का गिरता चारित्रिक स्तर, कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आती है। तो इस पूरा देखें तो इस प्रकार से संसद की जो पतन की बात की जाए लगातार, वो पतन की बात हमें इन कारणों की वजह से जो है समझ में आती है। ठीक है, तो बस हमने सोचा कि छोटा सा वीडियो संसद के पतन के ऊपर बनाए, तो इसे देख लें आप। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।